पंजाब विधानसभा की चूंटणी में जीत मेळवा दरेक पक्ष પોતાની તમામ શક્તિઓને કામે લગાડી રહી છે ત્યારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આજે 10 મુદ્દાના પંજાબ મોડેલને રજૂ કર્યું છે। केजरीवाले पंजाब मॉडल रजू कर्यू, कहू आपनी सरकार बनशे तो 18 वर्ष पछीनी दरेक महिलाना खाता में दर महीने 1000 आपीशू। मफत वीजळीनो पण वायदो कर्यो छे। केजरीवाले पंजाब मॉडल ने रजू करती वखते कहू हतुं कि जो आप सत्ता में आवे तो अमे पंजाब ने विकसित अने समृद्ध बनावा माटे 10 सूत्रीय पंजाब मॉडल तैयार कर्यु छे। अमे एवं समृद्ध पंजाब बनावीशू कि रोजगारी मेळववा माटे केनेडा गयेला युवा 5 वर्ष में परत आवी जाए। आ साथ ज अरविंद केजरीवाले कांग्रेस अने अकाली दल उपर निशान साध्यु हतु। तेमणे कह्युं के बादल परिवारे पंजाब में 19 वर्ष अने कांग्रेसे 25 वर्ष सुधी शासन कर्युं छे, परंतु आ बंने पार्टीओए पंजाब ने लूटी लीधुं छे। पंजाब राज्यनी रचना बाद कांग्रेस अने अकाली दले गठबंधन करीने सरकार चलावी हती। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10-पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। सबसे पहला एजेंडा है रोज़गार। आज हमारे बच्चे रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर घर के अंदर बेरोज़गार है। रोज़गार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूँ। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूँ कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे, पंजाब के अंदर रोज़गार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोज़गार दिया कोरोना के टाइम पर, हमें देना आता है। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ, आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी सांठगांठ है, सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को ख़त्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को ख़त्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को ख़त्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। बेअदबी के इतने सारे किस्से हुए, बेअदबी के इतने सारे हादसे हुए और सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी हुई समय समय पे, लेकिन किसी भी एक भी मामले के अंदर, एक भी मामले के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस इसके काबिल नहीं थी करने के, एक बार खुली छूट दे दो, देखो पंजाब पुलिस आपको कितना शानदार काम करके दिखाएगी। क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, षड्यंत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े तार थे, ऊपर तक थे तार पार्टियों के, और ये सारी पार्टियां मिली हुई थी। इसकी सरकार आ जाए वो उसको बचाते हैं, उसकी सरकार आ जाए उसको बचाते हैं। नतीजा क्या हुआ? रोज़ बेअदबी के किस्से सुनने को मिलते हैं, रोज़ बेअदबी के, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, लोगों को बड़ा दुख होता है। क्यों? उनके हौसले बड़े बुलंद हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं होता। जितने बेअदबी के मामले हुए सब में कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे पकड़ के, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, हमारे किसी पार्टी से सेटिंग नहीं है, किसी नेता से सेटिंग नहीं है। सारे बेअदबी के उनमें सजा दिलवाएंगे और पंजाब के अंदर
शांति व्यवस्था कायम करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, पंजाब के भाईचारे को बना के रखेंगे। चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्स भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सारा पैसा खा गया। ये कहाँ गया 3.5 लाख करोड़? नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज एक आम आदमी को अपना काम कराने के लिए दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं होता, 10-10 चक्कर लगवाते हैं, वो सब बंद करेंगे। बिना पैसे के काम होगा लोगों का, दफ्तर के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोगों को। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। पांचवा, शिक्षा। आज पंजाब में सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। टीचर क्लास में पढ़ाने के बजाय स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया जाता है टीचर्स के ऊपर। इसको बदलेंगे, टीचर अब क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें करनी आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे। छठा, हेल्थ। जैसे दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, और हर पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, हर पंजाबी को गारंटी दी जाएगी कि उसके घर में चाहे कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, छोटी से लेके बड़ी, पूरा का पूरा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है। सातवां, बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। आठवां है, हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1,000-1,000 रुपये उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। नौवां है, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। खेती के अंदर किसानों के जितने भी मसले हैं, उन सारे मसलों का हल निकाला जाएगा, जो जो हम कर सकते हैं। कुछ मसले केंद्र सरकार में हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, लेकिन जो मुद्दे राज्य सरकार कर सकती है वो करेगी। और दसवां पॉइंट है, व्यापार और इंडस्ट्री। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ईमानदार व्यवस्था लागू करेंगे, ताकि हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे से, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी रोजगार मिलेगा, ये करेंगे। ये सारी पार्टियां, जैसा मैंने बताया कि अभी तक रल मिल के इनकी सरकार चल रही थी, अब इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, ये सारी इकट्ठी हो गई हैं पंजाब को फिर से हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को फिर से हराने के लिए। लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है, हम भी तैयार हैं, पंजाब भी तैयार है, इन सारी पार्टियों के मंसूबों को